नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। जिस प्रश्न की हम बात करने वाले हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से विद्यालय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तथा पुनः सीधे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस आया, तो बताएं कि विद्यार्थी की औसत चाल क्या है। ठीक है, कोई भी विद्यार्थी है उसका यहाँ पर घर है और आगे जाके उसका यहाँ पर स्कूल बना हुआ है यानी विद्यालय है। अब वो इधर से जब जाता है तो उसकी स्पीड क्या रहती है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब लौट के आता है तो उसकी स्पीड क्या रहती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपको प्रश्न समझ में आया। तो उसने पूछा है कि बताएं कि विद्यार्थी की औसत चाल क्या है, हमें विद्यार्थी की औसत चाल बताना है। तो हम मान लेते हैं कि घर से स्कूल की जो दूरी है वह कितनी है, डी है। ठीक है, हमने घर से स्कूल की जो डिस्टेंस मानी है वह मानी है डी। अब स्पीड उसकी दो है, तो एक स्पीड को हम S1 मान लेते हैं जो कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी स्पीड को हम S2 मान लेते हैं जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यह जाने की स्पीड हो गई, यह वापस आने की स्पीड हो गई। अब दोनों का टाइम निकालना पड़ेगा हमें, तो इस टाइम को हम मान लेते हैं T1 और इस टाइम को हम मानेंगे T2। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल, और यहां जब निकालेंगे तो यहां दूरी तो ही रहेगी, चाल बदल जाएगी। चाल क्या है, 10 किलोमीटर, यहां पर है 12 किलोमीटर। टोटल टाइम निकालेंगे तो T1 प्लस T2, तो D बटे 12 प्लस D बटे 10, दोनों को जोड़ देंगे, 60 आ जाएगा LCM, 12 पंचे 60 और 10 छिका 60, यानी 11D बटे 60, ये आ गया टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यानी कि जो कुल दूरी, तो जाएगा तब D डिस्टेंस तय करेगा, जब लौट के आएगा तो भी D डिस्टेंस तय करेगा, D प्लस D बराबर 2D, कुल दूरी हो गई 2D, और कुल समय, ये कुल समय निकला है T1 प्लस T2 बराबर 11D बटे 60। अब हमारे पास कुल दूरी है, कुल समय है, तो हम औसत चाल को निकाल सकते हैं। तो औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, कुल दूरी कितनी है 2D, कुल समय कितना है 11D बटे 60, ये वाला 60 यहां पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2D गुणा 60 बटे 11D, D से D कट जाएगा, 120 बटे 11 बचेगा, 11 से भाग लगा देंगे, 11 एकम 11, फिर यहां 0 हो जाएगा, और 10 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो औसत चाल क्या हो गई, 10 सही 10 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ठीक है, आपने देखा हमने पहले दूरी मानी, फिर टाइम निकाला, और टाइम दूसरा टाइम निकाला, दोनों टाइम को जोड़ दिया, तो कुल समय आ गया। औसत चाल का फॉर्मूला लगा दिया, कुल दूरी बटे कुल समय, और रख दिया, हमारा आंसर आ गया। ऐसे प्रश्नों के लिए एक, जब हमें औसत चाल ज्ञात करना हो और हमारी डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, जैसे इसमें उसने दूरी का कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया था, यानी कि घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, डिस्टेंस बराबर है, तो ऐसे सवालों के लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2S1 × S2 बटे S1 प्लस S2। ठीक है, S1 पहली चाल, S2 दूसरी चाल, इससे हम निकाल लेंगे, तो 2 × पहली चाल थी 12, दूसरी चाल थी 10 बटे 12 प्लस 10,
दो से करेंगे 12 धम 120 दूनी 240 बटे 22, काटेंगे यहाँ 11 बचेगा, यहाँ 120 बचेगा, और जब भाग लगाएंगे तो 10 सही 10 बटे 11, ठीक है। तो वही आंसर हमारा यहाँ निकल के आ जाएगा। तो जब ऐसा प्रश्न हो कि कोई विद्यालय जा रहा या कहीं जा रहा किसी चाल से और वापस आया दूसरी चाल से, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। और लॉन्ग मेथड से तो आपने देखा ही है कि कैसे हमने निकाला, तो दोनों मेथड से हमने आपको बता दिया है। और जैसा भी आपको अच्छा लगे, ये सूत्र आपको याद रखना है, और ये जो बेस मेथड है इसको तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि कभी कभी कोई हमसे पूछ दे कि कैसे निकाला, तो हमें ये मेथड तो याद रखना ही है। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।